सबसे पहला नियम एकादशी व्रत का, सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में कर लो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन हमें ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी के। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना, अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते। सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते। अब एक विचार करिएगा थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा, एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन क्षीण करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला है, जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा, तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो कि ना हो। और चेहरे पर वो प्रसन्नता आपके आना चाहिए कि कल मेरा एकादशी का व्रत है, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल मेरी जब एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना कितना असत्य, कितना कितना झूठ, कितना कितना प्रपंच वो समाप्त तो हो जाएगा, इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंदता हो। तो क्या कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, कोई कौपल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, एकादशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं जाता, पुण्य फल प्राप्त। अब फिर भले तुम
चाहे तुमने मोरदन खाया हो, चाहे तुमने फिर चिप्स खाई हो, चाहे तुमने फिर व्रत का कितना ही सामान खा गए हो और तुमने सोचा कि आज मेरी एकादशी है, तो फिर उसका कोई फल प्राप्त नहीं है, उसका कोई सुख प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसका कोई आनंद प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसमें कोई आनंद की अनुभूति आपको नहीं मिल रही है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज है एकादशी। एकादशी का व्रत इस नियम से करें, अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ यह वीडियो अपने दोस्तों में, घर परिवार में ज़रूर शेयर करें। एकादशी का व्रत। हर हर महादेव। श्री शंभू।